हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हर्षवर्धन से संबंधित कुछ बातें देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हर्षवर्धन के दरबार में कितने विद्वान रहते थे, कौन कौन विद्वान रहते थे। फिर ये देखेंगे कि हर्षवर्धन ने किन किन ग्रंथों की रचना की है, और ये भी देखेंगे कि हर्षवर्धन के द्वारा विजित पाँच प्रदेश कौन कौन से थे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाले विद्वानों को। हर्षवर्धन के दरबार में कुल चार विद्वान रहते थे, ठीक है ना। उसमें से सबसे पहले नाम है जयसेन, ठीक। उसके बाद दूसरा नाम है हरिदत्त का। उसके बाद जो तीसरे विद्वान हैं उनका नाम मयूर है, और चौथे जो विद्वान हैं उनका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, बाकी रहने को इनके दरबार में चार लोग रहते थे, ठीक है ना। ठीक। और बाणभट्ट ने जो रचना की थी वह थी हर्षचरित। हर्षचरित, ठीक है ना। तो हर्षचरित जो है यह रचना किसकी है, यह रचना है बाणभट्ट की, और जिसके लिए ये काफ़ी मशहूर भी हुए, ठीक। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे कि हर्षवर्धन के द्वारा जो विजित पांच प्रदेश हैं वह कौन कौन से हैं, ठीक। तो हर्षवर्धन के द्वारा जो विजित पांच प्रदेश हैं उसमें से पहला पंजाब, उसके बाद दूसरा कान्यकुब्ज, तीसरा मिथिला है, और चौथा जो है वह है गौड़, और पांचवा जो प्रदेश हर्षवर्धन ने जीता वह था उड़ीसा, ठीक है। फिर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हर्षवर्धन ने किन किन ग्रंथों की रचना हुई हर्षवर्धन के समय में, ठीक। तो उसमें जो सबसे पहली हुई है वह हुआ रत्नावली, ठीक। दूसरा जो हुआ नागानंद, और जो तीसरा हुआ वह हुआ प्रियदर्शिका, ठीक है ना। तो इसके दरबार में चार विद्वान रहते थे, पांच प्रदेशों को जीता और तीन ग्रंथों की रचना की, ठीक है ना। ठीक। तो हर्षवर्धन ने ये तीन ग्रंथों की रचना यह हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है, और पांच प्रदेश जीते हैं और चार विद्वान रहते थे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।